स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास सिक्स के मैथ्स का चैप्टर प्लेइंग विद द नंबर्स एक्सरसाइज 3.1। पहले करेंगे इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर दैट इज 24, 15 एंड 21। तीन हमने लेने आती, इसके पार्ट्स करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे 24, लेकिन पहले मैं आपको बताऊंगी व्हाट आर फैक्टर्स। फैक्टर्स होते क्या हैं? फैक्टर्स वो नंबर होते हैं विच व्हेन डिवाइडेड गिव्स अ रिमाइंडर। जिसके साथ भी डिवाइड करते हैं उसका रिमाइंडर क्या आता है? जीरो। क्या आता है उसका रिमाइंडर? जीरो। तो ये आपने याद रखना है, जिसके साथ भी डिवाइड होंगे उसका रिमाइंडर जीरो आएगा। तो सबसे पहले हम लेंगे ए पार्ट 24, सबसे लीस्ट नंबर के साथ। पहले हम वन के साथ इसको डिवाइड करके देखते हैं। यहाँ से अब एक रफ कॉलम भी बनाएंगे जिसके साथ हम आपको क्लियर करेंगे सारा। अगर वन के साथ 24 को मैं डिवाइड करूँ तो क्या आएगा? 1 24 24। तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ गया? जीरो आ गया ना। तो वही मैंने लिखा, विच वैन डिवाइडेड गिव्स अ रिमाइंडर जीरो, 1 into 24। पहले वाला इसको हो गया। उसके बाद हम देखते हैं दूसरा नंबर, दैट इज़ 2। 2 के साथ देखते हैं। 2 मेरे हिसाब से, अगर आप 2 का टेबल पढ़ोगे, 2 9 2 12 24 2 12 24। तो क्या आएगा? 2 12 24। देखो अब मैं आपको डिवाइड भी करके दिखाती हूँ। 24 को करते हैं 2 के साथ। पहले पहला नंबर लिखते हैं 2 1 2, फिर 4 नीचे उतारते हैं, 2 2 4। तो क्या आया? 12। इसी तरह क्या आता है 2 के साथ? अगर हम 3 के साथ देखेंगे, 3 6 18 3 7 21 3 8 24। 3 into 8 इज इक्वल टू 124। ठीक है ना, ये सारा 24 आ रहा है। ठीक है ना, इसी तरह हम देखते हैं 4 के साथ, 4 into 4 1 4 4 2 8 4 3 12 4 4 16। ठीक है ना, 4 5 20 4 6 24। अगर आप 4 का टेबल पढ़ोगे, ठीक है ना, इसी तरह 5 5 के साथ तो जाएगा नहीं, क्योंकि 5 5 25 आ जाएगा। इसी तरह अगर हम 6 देखेंगे, 6 6 कितने हज़ार? 6 1 6 6 2 12 6 3 6 4 24। अगेन ये 4 6 6 4 रिपीट हो गया ये नंबर। ठीक है ना, फिर 7 के साथ, तो हम 8 के साथ देखते हैं। अब 7 के साथ तो जाता नहीं, 8 के साथ देखते हैं। 8 1 8 8 2 16 8 3 24। अगेन 9 के साथ जाता नहीं है, 10th के साथ भी, 10 के साथ भी इसका डिवाइड नहीं होगा। ठीक है ना, तो 1 से 10th तक हम देखें नंबर। इसी तरह 12 के साथ होगा, 12 1 12 12 2 24, या 24 को 24 के साथ जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे? फैक्टर्स फैक्टर्स ऑफ 24 इज इक्वल टू, क्या क्या आया पहले, किसके साथ जाता है? 1, ये वाले लिखने होते हैं, दिस 1 2 3 4 6 8, और किसके साथ? 12, एंड देन 24 भी लिख सकते हो आप। ठीक है ना, सो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 24। अब हम करेंगे इसका सेकंड वाला क्वेश्चन, 15। ठीक है, अब इसी तरह मैंने 15 के साथ निकालना है। मैंने आपको बोला पहले लीस्ट नंबर्स के साथ स्टार्ट करते हैं। 1 into 15 1 15 are 15। ठीक है ना, जब डिवाइड करने की जरूरत पड़ेगी तो यहाँ में आप डिवाइड भी कर सकते हैं, रफ कॉल बना लेना। अब 2 के साथ अगर देखेंगे, 2 के साथ तो 15 को जाता ही नहीं है, होता है डिवाइड नहीं होता है। इसी के साथ 3 के साथ 3 5 are 15। 4 के साथ, 2 के साथ नहीं जा रहा है तो 4 के साथ भी नहीं जा रहा है। फिर 5 के साथ 5 into 3 5 3 are 15। इसी तरह 6 के साथ इसको डिवाइड नहीं होगा, 7 के साथ नहीं, 8 के साथ नहीं, 9 के साथ नहीं, ठीक है ना, एंड 10 के साथ नहीं। ठीक है, 10 1 10 10 2 20। इसी तरह फिर क्या होगा? 15 के साथ, 15 के साथ 15 को डिवाइड होगा। तो क्या है इसके फैक्टर्स? फैक्टर्स ऑफ 15 आर पहले 1 3 5 एंड देन 15। ठीक है, अब है आपका अगला क्वेश्चन, आपका सी पोर्शन 21। इसी तरह हम सी का देखते हैं 21। आपको मैंने पहले से बताया कि पहले 1 के साथ देखते हैं, 1 into 21 इज इक्वल टू 21। ठीक है ना बच्चा, फिर उसके बाद 2 के साथ देखते हैं, 2 के साथ तो 21 इज एन ऑड नंबर तो जाएगा नहीं 2 के साथ। ठीक है ना, 3 के साथ देखते हैं, 3 into 7 are 21। इसी के साथ 4 के साथ देखते हैं, 4 1 4 4 2 8 4 3 24 नहीं जाता है। फिर इसी के साथ 5 2 8 4 3 12 नहीं जाता है 4 के साथ। इसी तरह 5 के साथ 9, 6 6 1 6 6 2 12 6 3 18 6 4 नहीं जाता है, 7
सेवन के साथ जाएगा, थ्री के साथ जाएगा, तो सेवन थ्री सेवन जो सेवन इंटू थ्री, सेवन थ्री जो 21, ठीक है। तो इन चीज़ों के साथ ये डिवाइड हो रहा है। इसी तरह एट के साथ देखो नहीं जाएगा, नाइन के साथ नहीं जाएगा, टेन के साथ नहीं जाएगा, तो फिर किसके साथ जाएगा, 21 के साथ। तो क्या है फैक्टर्स, फैक्टर्स ऑफ 21 आर क्या लिखेंगे हम, एक तो वन सब के साथ जाता है, थ्री सेवन एंड नंबर इटसेल्फ 21, वन जर 21, ठीक है ना। सो दीज आर द फैक्टर्स। तो बच्चे आज हमने ये तीन इसके पार्ट्स की, यहाँ पर आप कॉपी पे उतारो तो इनको समझो तो लिखो। ओके।